हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि 3ds मैक्स में जैसे वॉल के ऊपर जैसे गणेश जी के डिजाइन हुए, फ्लावर के डिजाइन हुए, किसी भी टाइप के डिजाइन आप किस तरीके से बना सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको दिखाऊं तो जैसे एक घर है, यहाँ पे जैसे गणेश जी का डिजाइन बना हुआ है, सेकंड में जैसे फ्लावर का डिजाइन है, तो किस तरीके से हम इस चीज को बना सकते हैं, ग्लो कर सकते हैं, वो चीजें हम इसमें सीखने वाले हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस टाइप की वीडियो आपको पूरे मेरी प्लेलिस्ट में और पूरे यूट्यूब में आपको मिलने वाली है। और अगर आप चाहते हो अपकमिंग कोर्सेज ज्वाइन करना, लाइव क्लासेस करना, तो आप जाए मेरी साइट पे जो है dpkvarma.com.in। तो आप इस पे जाएंगे साइट पे, तो आप यहाँ पे देखेंगे अपकमिंग कोर्सेज जो हमारे आने वाले हैं, डिप्लोमा इन इंटीरियर डिजाइन बेसिक्स जो आने वाला है आपका, 6 मार्च से स्टार्ट होने वाला है। रात को आपकी क्लास है 9 से 8 से 9। ऑटोकैड 3ds मैक्स वीरे की क्लास स्टार्ट होने वाली है 4999 में, जो 2 मार्च से स्टार्ट हो जाएंगी 8 to 9। एंड रेविट और ऑटोकैड स्टार्ट होने वाला है फ्रॉम 2 मार्च, इसका प्राइस आपका 4999। अगर आप ओवर कोर्सेज पे जाके देखेंगे तो यहाँ पे आपको सभी कोर्सेज के लिंक मिल जाएंगे और आप इन्हीं पे क्लिक करके इनको ज्वाइन कर सकते हो। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो ये 3 बैचेस है जो हमारे स्टार्ट होने वाले हैं, फ्रॉम 6 मार्च, 2 मार्च, 2 मार्च 9 to 10 और आपका 8 to 9। तो ये आप यहाँ पे जाके जरूर चेकआउट करें। और अगर आपको लॉग इन करना है वेब वर्जन से, तो स्टूडेंट लॉग इन पे जाके आप अपना नंबर डाल के लॉग इन कर सकते हो, वरना मेरी ऐप डाउनलोड कर सकते हो। दीपक वर्मा के नाम से एंड्रॉयड ऐप है, और अगर आप आईफोन यूजर है तो आप माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कर सकते हो, और ODIMM मेरा ऑर्गेनाइजेशन कोड है जो आप वहां पे यूज कर सकते हो। क्लियर? तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो फिर स्टार्ट करते हैं। तरीके के डिजाइन बनाने के लिए सबसे पहले, जो मैंने लास्ट वीडियोस में भी डिस्कस किया है कि जाली के डिजाइन जैसे बनते हैं, तो उसी तरीके से सबसे पहले आपको गणेश जी वाले ये आपको इमेजेस को लेके आना पड़ेगा। ये वाली इमेज हुई, कोई फ्लावर की इमेज हुई, बट मेक श्योर कि आप जो भी ये इमेज लेके आओगे वो ऐसी नहीं होगी कि आप उसे 2 लाइंस में कन्वर्ट ना कर पाओ। मान लो ऐसी अगर आप लोगे तो इसको बनाने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो आपको क्या करना है, कुछ इस टाइप की इमेजेस लेनी है जो आपकी क्लियर हो, 2 लाइंस में हो, और इसको आप इजीली वहां पे लेके जा पाए और आप इसे कन्वर्ट कर पाए। ठीक है, इनमें से आप कोई भी ले सकते हो जो भी आपको वहां पे लगानी है। मान लो मैं ये वाली इमेज लेता हूँ, राइट क्लिक करो, सेव कर दो इमेज को, और जैसे मैंने ये सेव की हुई ऑलरेडी, तो आप इसे सेव कर सकते हो। अभी जो ये इमेज है वो PNG फॉर्मेट है, आपको इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा AI फॉर्मेट में, इलस्ट्रेटर फॉर्मेट में, ताकि ये लाइन बेस्ड ड्राइंग आपकी बन जाए। उसके लिए आपको जाना है, एक सॉफ्टवेयर है कन्वर्टियो, सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हो या फिर गूगल ऑनलाइन कर सकते हो, कन्वर्टियो.इन। आपको यहां से चूज फाइल करनी है, इस फाइल पे क्लिक करना है, ओपन करना है, ओपन करने के बाद कन्वर्ट टू करना है वेक्टर में जाके AI में, EME करके कन्वर्ट कर दो, डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, डाउनलोड पे क्लिक कर दो तो आपका डाउनलोड हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर ली है तो आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर मैं यहाँ पे जाऊंगा तो AI फॉर्मेट में लोड गणेशा यहाँ पे आपका डाउनलोड हो गया है। अब आपको करना है क्या है, अब आपको मैक्स में जाना है। मैक्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे कमांड से मैं बाहर जाता हूँ, मान लो ये यहां से ये मैंने सिलेक्ट किए और मैं अभी यहाँ पे इनको हाइड कर देता हूँ। ठीक है, अब यहां पे मेरे को वो लेके आने हैं, तो वो लेके आने के लिए गो टू फाइल, गो टू इंपोर्ट, क्लिक ऑन मर्ज, मर्ज पे क्लिक करना है और आप ये वाली फाइल को सिलेक्ट करें यहां से। अगर ये फाइल ना दिखाई दे, आपको ऐसा भी देखने को मिल सकता है, तो आप नीचे फाइल्स टाइप पे जाके ऑल फाइल पे क्लिक करें, अब इसको सिलेक्ट करें, ओपन करें, मर्ज ऑब्जेक्ट को ओके करें, और सिंगल ऑब्जेक्ट में आप इसे लेके आए एंड ओके करें, तो ये आपका जो इमेज है वो आपकी यहाँ पे आ जाएगी। ओके करने के बाद जो भी इमेज आपकी यहाँ पे आएगी तो आपको यहाँ पे इजिली दिख जाएगी। ठीक है, जैसी इमेज यहाँ पे दिखे वो कहीं पे भी आ सकती है, वो बेसिकली सेंटर में आती है ओरिजन पे, और आप इसे अब यहाँ पे स्केल कर सकते हो। स्केल करने के लिए मैं यहाँ पे आर प्रेस करता हूँ और मैं इसे स्केल कर देता हूँ जितना मेरे को चाहिए। स्केल करने के बाद मैं एंगल स्नैप ऑन करके मैं इसको रोटेट कर देता हूँ 90 डिग्री पे।
90 डिग्री पे रोटेट करने के बाद अब मेरे को गणेश जी को प्लेस करना है अपने जहां पे मेरे को लगाना है। मान लो मैंने एक प्लेस चूज किया है कि मेरे को यहाँ पे लगाना है, तो ये करने के लिए मैं पहले फ्रंट में जाऊंगा और फ्रंट में जाके मैं इस तरीके से यहाँ पे एडजस्ट कर दूंगा। ये मैंने सिलेक्ट किया और मैं यहाँ पे ये मैंने चूज किया, ठीक है। इस यहाँ पे जाके मैं इसे एक्सट्रूड कर देता हूँ। एक्सट्रूड अगर मैं यहाँ पे करता हूँ, मान लो 5 mm मैंने एक्सट्रूड किया, वो एक्सट्रूजन मेरा आ गया। अब मैं टॉप पे जाके अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे है, तो मैं इनको पीछे की तरफ ले जाके वायर फ्रेम को ऑन करके अच्छे से अपने वहां पे एडजस्ट करूंगा ताकि वो बिल्कुल एग्जैक्ट वहां पे आ जाए जहां पे मेरे को चाहिए उस लाइन पे। अगर आप अब कैमरे व्यू पे जाते हैं तो आप देखोगे तो इस तरीके से आपके गणेश जी यहाँ पे आ गए हैं, ठीक है। अब आपका काम है सिर्फ इनको मटेरियल देने का। प्रेस एम, एक मटेरियल लो यहाँ से। मान लो आपको ग्लो करते हुए दिखाने हो तो कोई भी मटेरियल आप दे सकते हो। मान लो ग्लो करते हुए दिखाने हैं तो वीरे मटेरियल पे क्लिक करके वीरे लाइट मटेरियल लो। लाइट मटेरियल पे लेके मान लो मैंने इसको कर दिया मान लो 20 की इंटेंसिटी, एंड मैंने गणेश जी को सिलेक्ट करके अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद देखो ये अप्लाई हो गया, व्हाइट कलर का मटेरियल है। आप यहाँ पे जाके फ्रेम पे जाके आप इसे रेंडर कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे रेंडर करोगे तो आप देखोगे आपके गणेश जी के यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे देखने स्टार्ट हो जाएंगे। कलर चेंज करना है तो आप कलर पे क्लिक करके, मान लो आपको येलो करना है, आप येलो कलर कर सकते हो, तो आप देखेंगे यहाँ पे येलो कलर हो गया। ब्लू करने हैं, ब्लू कलर कर सकते हो। पिंक करने, जो भी कलर आप यहाँ पे ग्लो में आप दिखाना चाहते हो यहाँ से चूज कर सकते हो, जैसे भी आपको पसंद है। इसी तरीके से आप कोई भी इमेज को यहाँ पे लेके आ सकते हो, किसी भी चीज को आप यहाँ पे बना सकते हो। जितनी भी चीजें अगर आपको यहाँ पे दिख रही हैं, वो आप फ्लावर के डिजाइन हो गए, जो भी डिजाइन हो गए, वो डिजाइन आप यहाँ पे लिख सकते हो। बस एक चीज लिख देना, जैसे गणेशी वेक्टर लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे लिखोगे फ्लावर्स वेक्टर, अब यहाँ पे जो वेक्टर में दिख रहे हैं जितने भी इस टाइप के फ्लावर्स हैं, ये सारे सारे फ्लावर, जैसे ये वाला फ्लावर्स है, इस टाइप के फ्लावर्स को आप अपने वहां पे पेस्ट कर सकते हो। यही तरीका है, सेव करो, AI में कन्वर्ट करो और वहां पे ले जाके एक्सट्रूड कर दो, तो आपका इजिली कोई भी फ्लावर आप कहीं पे भी इजिली बना सकते हो। तो ये था आज की वीडियो में, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल मत भूले। इसी टाइप की वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा, और लास्ट भी आप मेरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं, इसी तरीके की वीडियो आपको वहां पे देखने को मिल जाएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।